मैं अभी उस जगह पे हूँ जिस जोन को आपने टाइगर अटैक के नाम से सुना होगा। टाइगर अटैक और चार्ज मैंने पहले भी आपको बताया, दो अलग अलग बातें। तो मैं हूँ एक ऐसे शख्स के साथ जिस बेचारे ने ये चीज़ को झेला है। तो मेरे साथ हैं वो ड्राइवर जो उस दिन उस गाड़ी में मौजूद थे। तो आफ्ताब भाई, क्या हाल? ठीक हो आप? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? ज़िंदगी में कोई बदलाव? अच्छा, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ कोई बात नहीं करूँगा कि आपके ऊपर क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने क्या करा, वो सब दूसरा मैटर है। चाहता हूँ कि आपके साथ अच्छा फैसला हो, जो न्याय हो वो हो। तो ये तो बात की बात है, मैं छोटी सी बात आपसे ये पूछूंगा कि आप उस दिन जा रहे थे, एक्चुअल में हुआ क्या था? पब्लिक ये जानना चाह रही है, बाकी वीडियो तो सबने देख ली। एक अपने आपका एक क्या है, क्या था उस दिन आप कहीं जा रहे थे, कहाँ आपको क्लाइंट मिले, क्या था वो बात? होने को तो इंसिडेंट काफ़ी होते ही रहते हैं जंगल में, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा हाईलाइट है। इसकी वजह ये थी कि अचानक सड़क पर आ जाने से टूरिस्ट लोग घबरा गए थे, रोड से हेड ऑन चल के आ रहे थे, उनको काफ़ी दूर से ही देखकर वो लोग शोर शराबा करना शुरू कर रहे थे टूरिस्ट जो थे। मैंने उनको बहुत समझाया भी कि आप मैम शोर ना कीजिए, शोर करना ही नहीं है। मैं उनको पहले से समझा के उनको लेके गए। आपने टाइगर देख लिया था, दूर से आ रहा था टाइगर, वो हेड ऑन चलता था, रोड आ रहा था, और मेल टाइगर फिर उसके बाद जब वो टाइग्रेस छिप करके बाहर दोबारा से आई, मैंने उसको पीछे करके अपनी जीप को पीछे करके उसको रास्ता दिया, लेकिन वो रास्ता क्रॉस होने के बदले हम पर ही चार्ज कर बैठी। अच्छा, तो ये हुआ असल में, और कुछ नहीं था। बाकी बाइक वाला जो निकल के गया ना, उसकी वजह से मॉक चार्ज में आ गई थी मेरी। अच्छा, और उसके ही बगल में एक बाइक और गिरी हुई थी। अच्छा, तो उसी को कवर करने के लिए गाड़ी को भी पीछे करना पड़ा, जिस जो वीडियो में दिख रहा है ना आपको, आगे पीछे करने से उसी की वजह से गाड़ी को जो आगे पीछे करा गया। बाकी ये तो इंसिडेंट होते रहते हैं। तो मैं पब्लिक को ये बता रहा था भाई, जंगल आओगे सफारी करोगे, ये यहाँ पे नेचुरल चीज़ है। टाइगर का चार्ज करना, अगर मैं बताऊँ, देखो मैं किसी घर में जाना जा रहा हूँ, बस सपोज़ करो मैं इनके घर में आया बिना पता, तो एक बंदे को गुस्सा करके आएंगे, भाई क्यों आया मेरे घर में? वो सेम टाइगर का है भाई, कि नॉर्मल चीज़ है, घबराना नहीं है। और मैं आपको चार्ज और अटैक में फर्क बता दूँ, मैंने पहले भी कहा है अगर वो अटैक होता तो इतना डराता नहीं टाइगर, लेकर जाता, वो लेके जाता सीधा बगैर किसी के साथ जलांग मारता और वो लेके जाता। और इनका एक्सपीरियंस ये था, इन्हें कंप्लीट फ़र्क पता है। यहाँ के जो ड्राइवर हैं, देखो दोस्तों, डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सिलेक्ट करता है ड्राइवर्स को, एक्सपीरियंस बेस पे ही आए आप, है ना? कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? 3 साल हो गए। 3 साल, देखो 3 साल का एक्सपीरियंस है तो डिपार्टमेंट ने टाइम दिया, ये मंज गए 3 साल में, आदमी मंज जाता है। तो इन्हें पता था कि टाइगर चार्ज में अटैक में फ़र्क क्या होता है, तो इन्होंने खुद भी बताया कि टाइगर अगर अटैक करता तो लेके जाता, सभी जानते हैं। तो लोगों ने बहुत गलत गलत वीडियो चलाई कि टाइगर अटैक हो गया, भाई ऐसे गलत अफवाह मत फैलाए, जिनका खामियाजा ये खुद भी भुगत रहे, और जो अगर कोई ऐसे डालेगा उसके ऊपर भी, देखो जो हकीकत बात है, हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को। अब आप सफारी के थ्रू कहो या लोग जो ऐसे घूम रहे हैं जंगलों में उनके थ्रू कहो, तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत गलत आप इन्फॉर्मेशन दे दो। मेरा ही शिकायत ना इनसे, ना डिपार्टमेंट से, ना किसी से, मेरी शिकायत उन लोगों से है जो नेट पर ये वीडियोस डालते हैं कि टाइगर ने अटैक कर दिया। आप डालेंगे टाइगर अटैक सीता पर, कितने लोग आ जाएंगे, ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। भाई ऐसा नहीं करना, पहले आप टाइगर अटैक और चार्ज में फ़र्क समझे, हालांकि मतलब दोनों का सेम ही निकल के आता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ में उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। वो बस चीज़ और कहना चाहूँगा, ये जितने भी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं ना, एडिट करके उल्टी सीधी बातें लिखते हैं कि ये हुआ ये हुआ, तो बेहतर है पहले आप पता कीजिए, बिल्कुल सच्चाई के बारे में पता कीजिए। और अगर सीतावनी की सच्चाई जाननी है तो आप टेढ़ा गेट पर जाकर के पूछिए, जो लोग बाइक उठा करके लेके आए हैं, जो दो बाइक वालों को ड्राइवर ड्राइवर जिनको मैं कवर दे रहा हूँ, उनकी सच्चाई वो गेट वाले बताएंगे जो बाइक उठा करके लाए हैं। उन दो बंदों को भी मैंने अभी गाड़ी में चढ़ाया, उनको टाइगर जो गिरे हुए हैं उन्हीं को थोड़ा सा कवर करने के लिए गाड़ी आगे पीछे हो रही दिख रही है आपको, और जी और कुछ खास था नहीं। आप इस चीज़ की सच्चाई अगर जानना चाह रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, तो आप एक काम कीजिए, टेढ़ा गेट पर कुछ लोग हैं, कुछ फॉरेस्ट के हैं, कुछ वहाँ लोकल के हैं, जो वो बाइक उठा कर के लेके आए जिनकी गाड़ी वहाँ ऑलरेडी टाइगर ने गिरा रखी, और मेरी ही गाड़ी में मैंने उन दो बंदों को चढ़ाया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल रहा था, वीडियो
बन रही थी, तो सोचा दिखाना भी तो है ना डिपार्टमेंट को कि यहाँ मेन रोड पर ही सड़क का ही ये दुर्घटना, सड़क की ही समझ लीजिए आप, अदरक कच्चे जंगल की नहीं है, पक्के रोड की है। वहाँ पर सब गाँव वाले भी चलते हैं, बसेस भी चलती हैं, लोग बाइक से भी चलते हैं, तो मेरा ये जो सीन है वहीं का। और हम लोग ये वीडियो इसीलिए बनाया गया था कि ताकि मैं डिपार्टमेंट को बता सकूं, और मैंने बताया। मैंने गेट पर गया, गेट पर जाने के बाद जो भंडार पानी गेट है वहाँ मेहरा जी को जाकर के सब बताया, जो हमारे वहाँ इंचार्ज हैं उनको मैंने सब बताया। मैंने कहा मेहरा जी ऐसे ऐसे हुआ, वो मेरे से उन्होंने कहा कि आप मुझे वो सब वीडियो जो भी है आप मुझे दीजिए, जो भी वायरल करने का था वो मैंने खुद से नहीं किया। अगर मैं खुद से करूँ तो मैं आप लोगों की सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। YouTube आजकल मल्टी मीडिया ज़माना है, कुछ भी सबको आज़ादी है डालने की, तो मैं भी डाल सकता था अपने स्तर पर, लेकिन मैंने नहीं डाली। आप हमारी जो वीडियो वायरल हो रही है वो उतनी ही वीडियो वायरल हो रही है जितनी मैंने उस फॉरेन ऑफिसर को दी थी। उसके बाद की चीज़ नहीं पता किसी को क्या हुआ। उसके बाद का सब मेरे फ़ोन में है डाटा, जो फ़ोन अभी तक जमा है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट जो शिकवा नहीं है वो अच्छा करेगा, जो करेगा सब अच्छे के लिए करेगा। मैं ना तो किसी डिपार्टमेंट वाले के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी से जो कोई बात रखता हूँ अपने मन में। वो जाने उन्होंने अपना कानून के दायरे में जो भी किया किया, कोई बात नहीं, मेरे नसीब में जो होना था वो हो गया। ये तुम्हारा बड़प्पन है भाई, देखो ये इन लोगों की मोहब्बत है। और कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट वाले ये लोग एक दूसरे के करीब हैं, क्योंकि एक साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर। बाकी मैं आफ्ताब भाई से कहूँगा यार आपकी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर हो, ठीक है, जल्दी इंसाफ मिले। बाकी हमारे देखो इनको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, हम क्या हम आगे बोलेंगे चले जाएंगे, इनको रूल्स के बारे में पता है तो ठीक है। और अच्छा न्याय हमारे डिपार्टमेंट का हमें पूरा यकीन है उन पर, बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। बाकी इनसे विदा लेता हूँ मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जो परेशानी है जल्द से जल्द ख़त्म हो, और फिर आके आपसे हम स्कूल से मिले और साथ में सफारी करेंगे।